हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर ट्रैक एकेडमी। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी स्टडी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इससे लास्ट वाली वीडियो में बेटा, इससे लास्ट वाली वीडियो में हमने जो क्या था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स जो आपको बताई गई थी कि प्रॉपर्टीज किस किस तरीके से यूज होगी कि आप किसी भी मैट्रिक्स को देख के उसका डिटरमिनेंट बता सकते हो कि वहां भाई ये प्रॉपर्टी है तो इसका डिटरमिनेंट इस प्रकार से हो सकता है। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है बेटा वो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एक ही टॉपिक है सिर्फ, ठीक है। और इस टॉपिक को आप शायद 2 साल पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज एक तो इसको करेंगे। अच्छा, इससे पहले चलो एक बात और बताता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन करवाता हूँ, ठीक है। वो टॉपिक रह गया हमारा, तो अभी याद आ गया तो वो करवा देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे हुआ है कुछ नहीं, ये क्या होता है, 6 ऑपरेशन होते हैं जो आप किसी मैट्रिक्स पे यूज करते हैं, ठीक है। कि किस प्रकार से कोई ऑपरेशन या ऑपरेशन ऐसा भी एक टॉपिक, इसी टॉपिक को ये भी कहते हैं कि ऑपरेशन किस प्रकार से यूज किए जाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन के नाम से आपको एक टॉपिक मिल जाएगा आपकी नोटबुक में। तो देखो बेटा, 6 होते हैं टोटल, कितने होते हैं 6, 3 इधर डिवाइड करिए 3 इधर, रो और कॉलम, 3 रो के और 3 कॉलम के, सेम जो रो पे लगेगा वो कॉलम पे, ठीक है। उसी प्रकार से तो क्या है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट को की R I R J कि भाई हम किसी रो को किसी दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कहते हैं। इंटरचेंज करना, किसी भी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था ना पहले, वैसे मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर भी कभी लगता है कि आपको अगर आप आपके पास नोटबुक और आप वहां से कर रहे हो तो बेहतर सर ने ये बात तो बताई नहीं थी ट्रांसफॉर्मेशन की, इसलिए मैं आपका टॉपिक कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इस रो को इसके साथ और इस रो को इसके साथ चेंज करके लिख सकते हैं 7 8 9 और 4 5 6 और 1 2 3। तो इसको इंटरचेंजिंग ऑपरेशन कहते हैं बेटा, इंटरचेंजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। इसी प्रकार से आप कॉलम को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। दो हो गए। अच्छा, यहां क्या है कि आप किसी रो पे, किसी भी स्पेशल रो पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो कांस्टेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो सेम कॉलम पे लग जाएगा कांस्टेंट से, 1 2 3 4। थर्ड क्या है कि किसी भी रो के साथ अगर आप आर आई और किसी दूसरी रो को मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं, इसको एडिशन वाला बोलते हैं, इसको एडिशन ऑपरेशन बोलते हैं, एडिशन एलिमेंट्री ऑपरेशन या एडिशन ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। सेम कॉलम पे होता है बेटा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक कॉलम को उसी कॉलम में ऐड करते हैं या दूसरे में ऐड करते हैं। तो बेटा ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। छोटा सा टॉपिक बस, कुछ आपको जब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स करवाई गई थी तो वहां पे बताए गए थे, बकायदा बस इतना था कि इतनी क्लियरिफिकेशन नहीं दी गई थी, बच्चे पढ़ लेते हैं। तो अब आपको हो गया क्लियर। नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है मेन उस पर चलते हैं। डिटरमिनेंट्स का लास्ट टॉपिक है बेटा मैथ में, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में आपने लास्ट देखो, आपने 10th क्लास में एक टॉपिक क्या था पहले, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो किया, और उसके बाद 9th चैप्टर किया एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा ही किया था। तो यहां भी भैया अब तक डिटरमिनेंट्स सिंपल किया था, अब करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो बेटा देखो, आप कहां यूज होती है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, आपको बताता हूं। आपने 10th क्लास में 7th चैप्टर में 7.3 एक्सरसाइज में एरिया ऑफ ट्रायंगल किया था,
एरिया ऑफ क्या था, जहां पे क्या था कि किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट गिवन थे एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और एक्स थ्री और वाई थ्री, ठीक है। और आपने जो फॉर्मूला बनाया था वो क्या बनाया था, एक्स वन और एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई थ्री प्लस एक्स थ्री और वाई वन माइनस वाई टू, ऐसा फॉर्मूला था। वहां पे आपके टीचर ने आपको बोला था कि बेटा डायरेक्ट याद कर लो कि भाई यही होगा, ये फोरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया और आपने कह, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला था ये आया कहां से, कैसे यूज हुआ, यहां से देखो कि अगर इनको हम मैट्रिक्स के रूप में रखते हैं, किसके रूप में, मैट्रिक्स के रूप में, तो कैसे रखेंगे, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू और वाई थ्री, ठीक है। और जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है वो वन 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 कॉन्स्टेंट, क्यों, क्योंकि आप अगर उन्होंने दो कोऑर्डिनेट पे लिया, अगर दो कोऑर्डिनेट से तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, तीन से बनेगा। तो जो थर्ड वाला, या तो आपको गिवन हो कि थर्ड वाला इसका, अदरवाइज वन वन और वन, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से उन्होंने क्या किया, डिटरमिनेंट्स निकाल लिया, ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स निकाला। अच्छा यहाँ पे वन बाय टू भी होता था, ऐसे यूज करते थे वन बाय टू। तो आप, इसने क्या किया, इसने इस कॉलम से इस डिटरमिनेंट्स को एक्सप्लेन कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। देखो एक्स वन, एक्स वन लेंगे तो ये और ये वाला खत्म, वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है। और जहां आपको डिटरमिनेंट्स निकालना सिखाया था वहां बताया था कोफैक्टर के लिए साइन प्लस और माइनस का, तो ए वन वन है तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वन वन पॉजिटिव साइन, और यहाँ क्या हो जाएगा ए टू वन थ्री तो नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, कितना लिखे एक्स टू, एक्स टू लिखेंगे तो ये वाला और ये वाला वाई वन माइनस वाई थ्री, एक्स टू वाई वन माइनस वाई थ्री। और फिर थर्ड के लिए ये रहा थ्री वन, थ्री और वन फोर, तो साइन किसका प्लस का, और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा वाई वन माइनस वाई टू, एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। इस प्रकार से बेटा आपका फॉर्मूला बनाया गया था ट्रायंगल का, समझ आया। आप सेम उस टाइम, अगर आपके पास टेंथ क्लास का कोई मैथ है या फिर आप नेट से कोई उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन निकालना और उनको आप मैट्रिक्स में करके वहां पे आपको रो सीखा, आप इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हो एक्स वन वाई वन और वन से, ठीक है, एक्सपेंड कर लेना ये प्लस माइनस और प्लस। बल्कि आप जब आपके, अगर आपके पास एनसीईआरटी मैथ है टेंथ क्लास का, उसमें चेक करेंगे तो आपको दो फॉर्मूले मिलेंगे, एक रो से एक्सपेंड हुआ और एक कॉलम से एक्सपेंड हुआ, ठीक है। लेकिन वहां आपको सिर्फ कॉलम वाला करवा देते हैं टीचर की, बेटा ये कर लो ये है, लेकिन दोनों ठीक है बेटा, किसी से भी एक्सपेंड कर लेना, आंसर सेम आएगा उस टाइम का भी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ट्रायंगल का एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स यहाँ यूज हुई। अच्छा अब क्या है कि बेटा कई बार वो बोल देता है कि कोलिनियर पॉइंट निकाले थे टेंथ क्लास में, कोलिनियर पॉइंट, अगर ट्रायंगल कोलिनियर है, कोलिनियर है इसका मतलब एक लाइन में है, तो उसका जो एरिया आएगा वो आंसर जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। उसका जो डिटरमिनेंट्स आएगा वो आंसर क्या हो जाएगा जीरो। अब आपको जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी प्रकार के मिलेंगे कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल दिस दिस पॉइंट कोलिनियर और नॉट कोलिनियर, बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है, डिटरमिनेंट्स निकाल लेना लिख के, अगर जीरो आता है तो कोलिनियर है, अदरवाइज नॉट कोलिनियर, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन मिलेंगे कि पूरी एक ये मिल जाएगी, मतलब कि भाई कोई ट्रायंगल है उसके जो पॉइंट है वो कोलिनियर है और उसमें ये पॉइंट हो गए वन टू थ्री टू वन थ्री या फिर एक्स और टू वन, ये कुछ भी जो भी आपके सामने, और ये कोलिनियर है, कैसे है कोलिनियर है तो इनका एरिया क्या होगा जीरो,
इसरो से एक्सपेंड करेंगे और सारे को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के इक्वल, इक्वेशन बन जाएगी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर देना, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इस कुछ इस प्रकार के आपके क्वेश्चन मिलेंगे जिनको आप सोल्व करेंगे। और डेटर्मिनेट्स का जो टॉपिक है बेटा, आज का लास्ट है एप्लीकेशन ऑफ डेटर्मिनेट्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फिफ्थ, ठीक है, मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अगर कोई अब तक के पूरे डेटर्मिनेट्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई थ्योरम या कई प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज कॉन्टेक्ट करें हमसे व्हाट्सएप या वीडियो में कमेंट्स करें, और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर जरूर करें बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।